लेक सिटी न्यूज लाया है एक मुहिम, आस्था के साथ ना हो खिलवाड़। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो लेक सिटी न्यूज के यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी हर एक भेजी गई वीडियो यहां प्रसारित की जाएगी। नवरात्रि का अवसर है और गरबे का आयोजन होने वाला है। एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार 9 दिन का गरबा होना अनिवार्य होता है, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी और कुछ इवेंट कंपनियां संस्कृति के देखा देखी इसे 2 दिन का करने लगे हैं। यह परंपरा का अपमान है और आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेक सिटी न्यूज की मुहिम है कि आस्था के साथ ना हो खिलवाड़ के तहत हम इस समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए 9 दिन के गरबे का आयोजन करने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। तो आइए उदयपुर वासियों, आप भी इस मुहिम में शामिल होइए और आस्था के साथ खिलवाड़ ना होने दें। मैं नरेश शर्मा, मेवाड़ जनशक्ति दल संस्थापक। पहले तो संजय जी वैसा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आपने लेक सिटी न्यूज़ के माध्यम से जो आपने ये मुहिम चलाई है और आप जो सर्व हिंदू समाज सर्व संगठन जो अभी अपील कर रहे हैं लोगों से और उनका आप साथ दे रहे हैं, तो आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि हम पिछले 8 सालों से हम ये प्रशासन से ज्ञापन देते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो गरबे के नाम पे जो नवरात्रि होती, नवरात्रि के नाम में ही छलकता है कि 9 दिन के गरबे होने चाहिए, उस नवरात्रि के गरबों को खंडित कर कुछ असामाजिक लोग व्यवसायीकरण के लिए कॉमर्शियल पैसे कमाने के लिए वो 2 या 4 दिन के इवेंट कर रहे हैं। ऐसे इवेंटों को रोक देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में उदयपुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई चाकूबाजी हुई है, कई मर्डर हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, तो प्रशासन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें जरूरी नहीं है कि स्कूल में हो या मार्केट में हो, ये चीज़ें कई गरबा पांडरला में भी हो सकती है, कई जगह हो सकती है। पिछले हम कई सालों से प्रशासन से ये कहते आ रहे हैं कि जो धार्मिक आयोजन है, जो नवरात्रा है, उसमें हम लोगों ने कुछ बिंदु बनाए हैं, कुछ ऐसी मांगे हमारी हैं कि भाई एक तो गरबे के नाम पे व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, इवेंट वगैरह जो होते हैं इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, इस आयोजन में जो हिंदू पर्व है इसमें गैर हिंदू प्रतिबंध होने चाहिए। तीसरा, फिल्मी गानों पे रोक होनी चाहिए। और आजकल की ऐसे आयोजन में जो गरबा नृत्य होता है माता जी को रिझाने के लिए जो किया जाता है, उसमें ऐसी महिलाएँ बहुत सारे हर तरह के लोग कह सकते हैं जो वेशभूषा जो गलत वेशभूषा पहन के वहाँ पर जो नृत्य करते हैं, जहाँ से अश्लीलता छलकती है, ऐसे आयोजन में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पारंपरिक वेशभूषा में आना चाहिए, क्योंकि ये माता जी का त्यौहार है, माता जी को खुश करने के लिए है, या ना कि एक दूसरे को खुश करने के लिए। ऐसे आयोजन में अगर गैर हिंदू नहीं आएंगे तो यहाँ से जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि लव जिहाद के इतने मैटर होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि लव जिहाद की जो जड़ें होती हैं वो इस गरबा पांडालाओं से ही निकलती हैं। तो जो आयोजक हैं वो ऐसे लोगों को जो गरबा में नृत्य कर रहे हैं सिर्फ पास के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, उन लोगों को चिन्हित करके और उनको अंदर एंट्री करने से पहले उनको लच्छा बांधा जाए, उनका तिलक निकाला जाए और गौमूत्र छिड़काव करके उनका अंदर से उनको एंट्री किया जाए। ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ और उदयपुर शहर वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी ऐसे गलत तरीके से आयोजन हो रहे हैं उनको रोका जाए, और मुझे आशा है कि आप लोग सब हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। एक छोटा सवाल, जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की आपको सहायता मिली? जिला प्रशासन कह सकते हैं कि नाम में बड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आजकल खुले तौर पे बोलना चाहूँगा कि विधर्मियों को साथ जो देते हैं वही आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से उनसे भी हमारे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, बाकी हम फिर भी हमारी लड़ाई है, हमारे धर्म के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और बहुत सारे जो ऐसा व्यवसायीकरण कर रहे हैं, आयोजन कर रहे, कुछ लोग हैं उदयपुर में 80% लोग ऐसे हैं जो धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए अच्छे गरबे करवाते हैं, मंदिर जहाँ होते हैं जो स्थापित मूर्ति होती है वहाँ पे करवाते हैं और व्यवस्थित तरीके से जो गरबा करते हैं, तो उनके लिए तो हम स्वागत करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुछ वर्षों में हमने ये देखा भी है कि काफ़ी लोगों ने सुधार लाया है और 9 दिन के स्थापना करके 9 दिन के गरबे करवा रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे प्रिंट मीडिया भी हैं, कुछ ऐसे क्लब भी हैं और कुछ ऐसे व्यवसाय करने वाले इवेंट भी हैं जो गरबे के नाम पे इवेंट करके वो जो चला रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, हम अभी अपील कर रहे हैं, बाकी अगर सर्व समाज सर्व हिंदू संगठन एक हुआ तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा और इस पर कड़ी इनको एक्शन लेने पड़ेंगे।